हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पेबल्स एंड वेलकम टू माय क्लास ऑफ मैथमेटिक्स। हम देख रहे हैं क्लास 6 मैथमेटिक्स। अब इसमें एक चैप्टर है इक्वेशंस। ये जो चैप्टर है जो 6 स्टैंडर्ड में आप शुरू कर रहे हो वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। मींस 6 स्टैंडर्ड से लेके 12th स्टैंडर्ड तक, और अगर आप इंजीनियरिंग या फर्दर मैथमेटिक्स लेने वाले हो तो उससे भी आगे आपको ये काम आने वाला है। यही नहीं, आपके लाइफ में भी इस चैप्टर की बहुत ज़रूरत है नॉर्मल कैलकुलेशंस और नॉर्मल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। मैंने देखा है आज, मतलब स्टूडेंट्स के मैं पेपर्स देखता हूँ या उनसे बातें करता हूँ या क्लास में जब उनको सिखाता हूँ, तब ये जो इक्वेशंस होते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको इक्वेशन तैयार करना तो आता है लेकिन सॉल्व करते समय वो बहुत गलतियां करते हैं। क्योंकि इक्वेशन सॉल्व करना मतलब ट्रांसफर्स करना। अभी आप कौन से बोर्ड से हो वो मुझे पता नहीं, अलग अलग बच्चे अलग अलग बोर्ड से रहेंगे। नोटबुक में आपको कुछ अलग तरीके से दिखाया है कि ये इक्वेशन सॉल्व कैसे करते हैं, लेकिन इन रियलिटी जब आप एक्चुअली ये सम्स जब सॉल्व करते हो तब इतने बड़े बड़े स्टेप्स लेना पॉसिबल नहीं होता, आपका पेपर कभी पूरा ही नहीं होगा। या फिर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जा रहे हो तो फिर आपको शॉर्ट मेथड आनी चाहिए जिसे हम ट्रांसफर मेथड कहते हैं। ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि ट्रांसफर मेथड क्या होती है। अलॉन्ग विद दैट हम ये भी देखेंगे कि इक्वेशंस, अलग अलग तरह के इक्वेशंस को ट्रांसफ़र कैसे किया जाता है, वो जल्दी से जल्दी उसे सॉल्व कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इक्वेशन मतलब क्या। इक्वेशन का मतलब बहुत सीधा साधा और सिंपल है। इक्वेशन मतलब एक ऐसा स्टेटमेंट जहाँ पे इक्वल टू साइन है और दो साइड्स है, एक लेफ्ट हैंड साइड है एक राइट हैंड साइड है। अगर आपके पास कोई भी एक्सप्रेशन हो उसमें इक्वल टू साइन है तो उसे इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसे लिखूं 2+3 तो ये हो गया एक्सप्रेशन। इसे एक्सप्रेशन कहते हैं, इसे इक्वेशन नहीं कहते। क्यों? सिंपल है, इसमें इक्वल टू साइन है ही नहीं, दो साइड्स तो इसमें है ही नहीं, तो इसको इक्वेशन कैसे कहेंगे। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर 2+3 5 ऐसे अगर मैंने लिखा तो ये बन गया इक्वेशन। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन जहाँ पे दो साइड्स है, इसको हम कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड और इसे हम कहेंगे राइट हैंड साइड। ओके, नाउ बहुत बार जब वर्ड प्रॉब्लम्स जब भी आते हैं तब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें वेरिएबल्स कितने होने चाहिए। वेरिएबल का मतलब जो एक्स वाई जेड या ए बी सी ये जो कुछ भी होता है उसे वेरिएबल्स कहते हैं। मैं आपको एक ही चीज़, एक ही ट्रिक बताना चाहता हूँ। वेरिएबल का मतलब होता है जो हमें अभी पता नहीं है या फिर जो हमें निकालना है, जो हमें ढूंढना है। आपने ये मिस्टर एक्स या मिस्टर इंडिया जैसी फिल्में देखी होगी जो मिस्टर एक्स से ली थी। अभी मिस्टर एक्स नाम क्यों दिया है? क्योंकि वो दिखाई नहीं दे रहा, वो गायब है, दिखाई नहीं दे रहा है। तो एक्सप्रेशन में ऐसी क्वांटिटी जो अभी दिखाई नहीं दे रही है। फॉर एग्जांपल मैंने अगर पूछा कि मेरे पास अगर 1000 रुपये हैं, मेरे फ्रेंड ने मुझे 1000 रुपये दिए तो मेरे पास कितने रुपये होंगे। सिंपल सा है। अब इसमें क्या दिखाई नहीं दे रहा कि मेरे पास कितने रुपए होंगे, वो दिखाई नहीं दे रहा, तो वो होगा x। तो मैं मेरा स्टेटमेंट या फिर मैं मेरा इक्वेशन ऐसे लिखूंगा, x इक्वल टू मेरे पास 1000 है प्लस मेरे फ्रेंड ने मुझे 1000 दिए, ये हो गया x। अब ये जब मैं ये इक्वेशन सॉल्व करूंगा तब मुझे x की वैल्यू मिलेगी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए 6 स्टैंडर्ड IPM या फिर
दूसरे ओलंपियाड जैसे एग्जाम्स होते हैं, उसका पोर्शन आपके टेक्स्ट बुक मतलब 6 स्टैंडर्ड में आपके स्कूल के पोर्शन से बहुत ज़्यादा होता है, कम से कम 1 साल आगे का होता है, ठीक है। तो वहाँ जब आप सॉल्व करोगे, तब ज़रूरी नहीं है कि आपके इक्वेशन में सिर्फ एक्स ही होगा। अब एक चीज़ आपको याद रखनी है, अगर आपके पास एक वेरिएबल है तो एक इक्वेशन काफ़ी है, मतलब एक इक्वेशन से सिर्फ एक ही वेरिएबल का सॉल्यूशन निकल सकता है। अगर आपके पास दो वेरिएबल्स है, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास ऐसा है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ये दो वेरिएबल है एक्स और वाई, लेकिन इक्वेशन एक ही है, तो ये सफिशिएंट नहीं है उसका आंसर निकालने के लिए। अगर आपको एक्स और वाई दोनों चाहिए तो उसका आंसर एक इक्वेशन से नहीं निकलेगा। एक सिंपल सा रूल आप याद रखिए, जितने वेरिएबल्स रहेंगे उतने इक्वेशंस आपके पास होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहां पे अगर मैं दूंगा कि एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 5, तो अब मेरे पास ये दो इक्वेशन हो गए और दो वेरिएबल्स है, तो अब एक्स और वाई की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, अन्यथा नहीं। सपोज आपके पास अगर तीन वेरिएबल है तो आपको तीन इक्वेशन चाहिए तीन वेरिएबल का आंसर निकालने के लिए, चार है तो चार, एंड सो ऑन। ओके, अब ये इक्वेशन के कई रूल्स होते हैं। अब इसमें से कुछ रूल जो ऐसे होते हैं वो कहीं पे भी लिखे हुए नहीं है, आपके नोटबुक में भी लिखे हुए नहीं है, ये एज्यूम किया जाता है कि वो आपको पता है, क्योंकि जनरली यहाँ पे जो इक्वेशन होता है वहाँ से ज़्यादा क्या होगा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन, ये चार ही क्रिया होती है यहाँ पर, लेकिन वो क्रिया कॉम्प्लेक्स हो जाती है अगर आपके यहाँ फ्रैक्शंस अगर आ गए तो। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं छोटे छोटे से इक्वेशंस जो होते हैं वो कैसे सॉल्व करते हैं। सपोज मेरे पास एक ऐसा इक्वेशन है एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 16, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ये एक सिंपल सा इक्वेशन है। अब आपके बुक्स में शायद ऐसी मेथड दी होगी कि यहां पे लेफ्ट साइड में हमें सॉल्व करना है, मतलब क्या करना है, एक्स हमारे लेफ्ट साइड में चाहिए और बाकी सब कुछ वो साइड में चाहिए। तो आपके स्कूल में ऐसी मेथड दी होगी एक्स प्लस 4, और इस 4 को यहां से माइनस करेंगे तो जो क्रिया आप इक्वेशन के एक साइड में करोगे वही क्रिया आपको इक्वेशन के राइट साइड में भी करनी होगी, दूसरे साइड में भी करनी होगी। अगर राइट में कर रहे हो तो लेफ्ट, लेफ्ट में कर रहे हो तो राइट। ओके, तो मैं यहां से 16 माइनस 4 कर दूंगा। ओके, सो ये 4 माइनस 4 इज 0, सो एक्स इज इक्वल टू 12। तो यहां मेरा आंसर आ गया एक्स इज इक्वल टू 12। दिस इज द मेथड विच इज जनरली गिवन इन द बुक्स। लेकिन अगर आप ये सब करते बैठोगे, ये इंटरमीडिएट स्टेप्स करते बैठोगे, तो आपका पेपर तो कभी पूरा ही नहीं होगा, प्रोवाइडेड आपको आपके टीचर से पूछना पड़ेगा कि मैडम क्या हमें बुक मेथड से ही जाना है या हम ट्रांसफर मेथड भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर दूसरा एक सम है एक्स अपॉन 2 इज इक्वल टू 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो वहां पे वो क्या करेंगे, ये डिवाइड है, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे, सो एक्स अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड 6 मल्टीप्लाई बाय 2, इस 2 से मैंने दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दिया, सो माय आंसर इज ये 2 गए, सो एक्स इज इक्वल टू 12। दिस इज जनरली मेथड ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। ये मैंने न्यूट्रलाइज किया, अगर मुझे प्लस 4 को न्यूट्रलाइज करना है तो मैं माइनस 4 कर दूंगा दोनों साइड में, अगर मुझे डिवाइड बाय
डिवीजन है, अगर डिनोमिनेटर में दो है उसको न्यूट्रलाइज करना है, तो मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, रिवर्स इनवर्स से मैं प्रोसेस कर दूंगा उसको, ठीक है। सो दिस इज द जनरल मेथड यहां पे। लेकिन जब इक्वेशन बड़े बड़े हो जाते हैं, मतलब जहां पे ब्रैकेट्स आ रहे हैं, फिर और भी कुछ प्लस माइनस डिवाइड फ्रैक्शंस, ये सब जब इक्वेशन में आते हैं, उस वक्त इस मेथड से जाना नामुमकिन है। इट्स इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल मीन्स इट इज पॉसिबल बाय मैथमेटिकली, ये सब कुछ पॉसिबल है, लेकिन उसमें जो टाइम जाएगा आपका वो आपके लिए सही नहीं है। और जो आदत लग जाएगी इतना बेसिक मेथड से जाने की, वो आदत अगर लग गई तो आप आगे जाके ये इक्वेशन सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि तब दो वेरिएबल होंगे, तीन वेरिएबल होंगे, मीन्स इंडाइसेस होंगे, मतलब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वगैरह ऐसे होंगे, तो आप तब क्या करोगे। तो चलिए अब हम देखते हैं कुछ नॉर्मल मेथड्स, फास्ट मेथड्स, ट्रांसफर मेथड्स, जिससे हम कोई भी इक्वेशंस सॉल्व कर सकते हैं, और उसमें कौन कौन से टाइप के अगर कैलकुलेशन आ गए तो क्या करना है वो अब हम यहाँ देखेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वेरी सिंपल इक्वेशन, दैट इज एक्स प्लस टू इज इक्वल टू फोर। अब यहाँ पे हम पहले एडिशन सब्ट्रैक्शन की के इक्वेशंस देखेंगे, और उसके बाद हम डिवीजन मल्टीप्लिकेशन ब्रैकेट्स सारे टाइप के इक्वेशंस देखेंगे, फिर हम देखेंगे हाउ टू फॉर्म द इक्वेशंस एंड देन हाउ टू सॉल्व द इक्वेशन, जो सॉल्व द वर्ड प्रॉब्लम्स। ओके, तो यहाँ क्या करेंगे, जनरल मेथड आपकी क्या है, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आप क्या करेंगे, माइनस टू दोनों जगह पे लिख देंगे, दोनों साइड में माइनस टू कर देंगे। ओके, लेकिन एक चीज याद रखिए, सिंगल आपके पास है तो आपको स्टेप बाय स्टेप एक्स के साथ जो कुछ भी है वो सबको दूसरे बाजू ले जाना पड़ेगा। एक चीज मैं आपको अभी बताता हूं, अगर आप कोई भी इक्वेशन अगर दिया है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक्स आपका लेफ्ट साइड में है या राइट साइड में है। अगर इक्वल टू साइन यहां है, इसका मतलब एक्स प्लस टू इक्वल टू फोर, ये इक्वेशन, और फोर इक्वल टू एक्स प्लस टू, ये दोनों सेम है। कई बार ऐसा होता है कि एक्स अगर यहां हो तो बच्चे अननेसेसरी उसको यहां से यहां लेके आते हैं। कई बार ऐसा होता है कि एक्स अगर राइट साइड में हो तो बच्चे अननेसेसरी उसको यहां से यहां लेके आते हैं। वो करने की जरूरत नहीं, हम वो भी देखेंगे कि हमारा राइट हैंड साइड में अगर एक्स होगा तो हम क्या करेंगे। ओके, तो यहां मैं, मुझे क्या करना है, एक्स की वैल्यू मुझे चाहिए, यहां पे उसके साथ जो कुछ भी है उसको मैं राइट साइड में ट्रांसफर कर दूंगा। अभी यहां क्या है, प्लस टू, एक्स प्लस टू, अभी ये जब वहां जाएगा तब माइनस होगा, अभी ये प्लस टू जो है उसको मैं ट्रांसफर कर देता हूं राइट हैंड साइड में, अभी ये क्या है, प्लस टू, यहां जाके क्या होगा, माइनस टू। सो माई इक्वेशन विल बी एक्स इज इक्वल टू फोर माइनस टू, सो एक्स इज इक्वल टू टू, ये प्लस टू, यहां पे माइनस टू हो गया और ये टू आ गया। यहां पे एक चीज आपने गौर की होगी या गौर कीजिए, कैन यू सी इक्वल टू के नीचे इक्वल टू लिखा है। यहां पे कई पेपर्स मैंने देखे हैं, एक्स, अब यहां पे दो तो है ही नहीं तो एक्स इक्वल टू यहां से शुरू कर देते, नहीं, आपको ये आदत लगनी चाहिए। आपके पास बहुत बड़ा पेपर है, फुल स्केप साइज का बड़ा पेपर होता है आपके पास, वो जगह सोने के लिए नहीं रखनी है। ओके, यूटिलाइज करो उस स्पेस को, इतना नीट और क्लीन लिखना है आपको। हमेशा इक्वेशन सॉल्व करते समय इक्वल टू के नीचे इक्वल टू साइन आनी चाहिए, उससे आपका पेपर जो है वो बहुत ही अच्छा दिखता है और एग्जामिनर को बहुत इजी होता है उसको पढ़ने के लिए। और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, एग्जाम का एक सीक्रेट है, ज्यादा मतलब आपने अगर पूरा का पूरा रॉन्ग लिख दिया है तो कोई चांसेस नहीं है, लेकिन अगर दो बच्चों ने सेम टू सेम आंसर लिखे है, लेकिन एक ने बहुत नीट एंड क्लीन लिखा है और दूसरे ने थोड़ा गंदा करके लिखा है, तो ये पहले वाले को इजीली मार्क्स मिलेंगे। पेपर चेकर को आप जितनी कम तकलीफ दोगे
उतने अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे, आपका वही इम्प्रेशन होता है, आप वहाँ पे प्रेजेंट नहीं हो पेपर के यहाँ, ओके। तो हमेशा इक्वल टू के इक्वल नीचे इक्वल टू लिखा करो जब आप अभी सॉल्व कर रहे हो तब भी, ओके। अब सपोज ये सम अगर ऐसा आ गया, 4 = x - 2, तो यहां क्या होता है, अननेसेसरी एक स्टेप बच्चे ऐड कर देते हैं, पहले इसको उल्टा लिखते हैं, क्योंकि उनको आदत क्या होती है लेफ्ट हैंड साइड में एक्स होने की, तो वो पहले उसको उल्टा उल्टा लिख लेते हैं और फिर सॉल्व करते हैं, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। अगर ये इक्वल टू साइन यहां है तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल ही है। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, इस -2 को यहां लेके आऊंगा, मतलब राइट हैंड साइड हो या लेफ्ट हैंड साइड हो, मुझे एक्स को अकेला रखना है, एक्स शुड बी केप्ट अलोन। सो आई विल से 4 + 2 = x, 6 = x। अगर 6 = x है, इट इज ऑब्वियसली x = 6। तो फाइनल आंसर में आप सिर्फ लिखिए, हेंस आंसर इज x = 6। अब यहां सिर्फ बहुत छोटा सा इक्वेशन है, इसके लिए आपको लगता, मतलब आपको लगता होगा क्यों ऐसा करने का, लेकिन जब इक्वेशन बड़े बड़े जब हो जाते हैं तब ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि डोंट वेस्ट योर टाइम इन एनीथिंग अननेसेसरी ट्रांसफर, ये अननेसेसरी, ये यहाँ लिखो, ये यहाँ लिखो, ये करने की ज़रूरत नहीं है। जैसा है वैसा इक्वेशन सॉल्व करते जाओ, एक्स अगर राइट हैंड साइड में भी हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लास्ट स्टेज में ये उल्टा आ जाएगा सिर्फ, बस 6 x = 6 के बदले 6 = x आएगा, दैट मीन्स x = 6। ठीक है, चलो और एक हम एक सम लेते हैं, x +4 - 2 = 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब यहां पे आपको दो तरीके से आप कर सकते हो, एक तो इन दोनों को वहां लेके जाओ, या फिर पहले इसको कैलकुलेट करो, 4 - 2 = 2 + 2, तो मेरी अगली स्टेप आएगी x + 2 = 5, सो x = 5 - 2 = x = 3। ठीक है, बहुत सिंपल है ये, वेरी सिंपल। चलो अब हम देखते हैं कि हाउ टू डू द मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। सपोज मेरा है x/2 = 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यहां पे क्या करेंगे, यहां दो नीचे है डिनोमिनेटर में है, वहां वो ऊपर जाएंगे, अगर यहां 2x होगा तो वो नीचे जाएगा, ओके। जो नीचे है वो ऊपर जाएगा, जो ऊपर है वो नीचे जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, वेरी सिंपल। सो माय आंसर विल बी x = 3 * 2, ये डिवाइड है तो यहां पे मल्टीप्लाई हो गया, सो x = 6। नाउ वी विल सी मल्टीप्लाई, जब साइन आती है तब बच्चों को थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, मैं अभी आपको बताता हूं। 2 * x, ओके, जरूरी नहीं है ये हमेशा मल्टीप्लाई साइन बीच में हो, मल्टीप्लाई साइन बीच में हो ये जरूरी नहीं है बिल्कुल, ये ऐसा भी होगा 2x। अगर किसी वेरिएबल के साथ उसके पीछे कोई नंबर है, किसी वेरिएबल के पीछे कोई नंबर है और उन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, कोई भी साइन नहीं है, तो उसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। 2 * x, इसका मतलब 2 * x होता है, ओके। नाउ और एक चीज आपको याद रखनी है कि जैसे आप नंबर्स ऐड करते हो, जैसे 2 + 2 = 4, उसी प्रकार से 2x + 2x = 4x। इसको हम इस प्रकार से लेंगे, अगर मेरे पास दो आम है और आपने मुझे दो आम दिए, तो कितने आम हुए, दो आम प्लस दो आम इक्वल टू 4 आम, ओके। तो 2x + 2x = 4x, लेकिन अगर मेरे पास दो आम है और आपने दो ऑरेंजेस मुझे दिए, तो क्या उनकी एडिशन हो सकती है, नहीं,
क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि मेरे पास चार आम है या चार ऑरेंजेस है? नहीं, शायद मैं ऐसा कह दूंगा कि मेरे पास चार फल है, लेकिन उन दोनों की एडिशन नहीं हो सकती। एडिशन ऑलवेज जो एक बराबर है उनकी ही होती है। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि अगर सेकेंड वेरिएबल आ गया 2x+2y इज नॉट इक्वल टू 4xy, कई बच्चे ऐसा लिखते हैं 2x+2y, इसको सीधा वो 4x x+y लिखते हैं, ये गलत है, दिस इज रॉन्ग। वो क्या करते हैं बच्चे, ये मल्टीप्लाई है, ये मल्टीप्लाई, तो उसको सीधा मल्टीप्लाई कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं होता, दिस इज रॉन्ग, ये रॉन्ग है। खैर, इन द स्टैंडर्ड 6 हम सिर्फ सिंगल वेरिएबल देखेंगे, लेकिन ये मैंने इसलिए कहा कि अगर आप में से कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जा रहा है तो उसे ये पता होना चाहिए। नाउ लेट अस सी, तो फॉर एग्जाम्पल इसका एक सम लेते हैं, 2x=6, सो वॉट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? अब यहां पे 2x है, मतलब 2 × x है, सो दिस इज एक्स, तो ये अगर ऊपर है तो ये नीचे जाएगा अपॉन 2, सो x=3। ओके, दिस इज बहुत ही सिंपल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। ओके, स्टैंडर्ड 6 में आपको आने वाले जो प्रॉब्लम्स रहेंगे, मे बी वो वर्ड प्रॉब्लम्स हो या दूसरे किसी टाइप के प्रॉब्लम हो, वो मोस्टली सिंपल ही होंगे। लेकिन आप अगर किसी ओलंपियाड है या आईपीएम है, ऐसे किसी एग्जाम को अपेयर कर रहे हो, तो इतने सिंपल कैलकुलेशंस या सिंपल इक्वेशंस तो को भूल जाओ, वहाँ पे तो कॉम्प्लेक्स ही होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विथ मी इन माय क्लास। अब मिलते हैं अपने अगले क्लास में, लेकिन तब तक अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में लिखना, आई विल डेफिनेटली आंसर इट। एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक एंड शेयर दिस वीडियो इफ यू विश। थैंक यू वेरी मच, विल सी इन माई नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।